गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले देख लीजिए मौसम का नज़ारा। मतलब धूप लग गई है और दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही थी ना, तो आज मौसम एकदम साफ़ हो गया है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सब कुछ धुला धुला नया नया सा, तो इसीलिए फिर थोड़ा ज़्यादा सा आपके साथ यहाँ पे भी मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको भी अच्छा लगे। और दिन है आज बुधवार का। टाइम ये जो मैं आपको ये पहले दिखाया, ये लगभग 10-10:30 बजे के आसपास का है। और बाकी इससे पहले कैसा था मौसम तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, जब बच्चों को मैं स्कूल छोड़ती हूँ उस टाइम का है। हल्की हल्की धूप उसी टाइम पे लगना स्टार्ट हो गई थी, हालांकि जब बच्चों को भेजा तब तो काफ़ी धुंध थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी हटना स्टार्ट हो गई है। और ये ना कल हमने क्या क्या किया था पूरा दिन, वो मस्ती आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये हम एक कॉमेडी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने शेयर भी किया है वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे। अगर आप चेकआउट करना चाहेंगे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब पहली ही ट्राई थी हमारी, और ये कुछ बिहाइंड द सीन है जिसमें मतलब हम खूब मस्ती कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ऐसे मेरे साथ कोई बोलने वाला नहीं होता ना, अकेली होती हूँ, तो मैंने यहाँ पे खूब इंजॉय किया था। आगे के करने पंजाबी पंजाबी में कॉमेडी के डालनी पंजाबी दे चक्की ऐसे चक्की ऐसे पड़ी है बस देवा दया ले ताली धापड़ी धापड़ी कावड़ी सब लैंग्वेज में नहीं आया सुनो सुनो लैंग्वेज ला बला 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 तुझे समझाएगी ना फिर इसके बाद फिर और कुछ तो हमने शूट नहीं किया था क्योंकि इसी में मैं लगी रही, इसका एडिट करके इसको शेयर भी किया था। तो इसके बाद फिर ये डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैं अभी आपने देखा कि कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, उसके बाद सूखे मसाले डाले और अब इसमें डाल रही हूँ प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से भुनने दूँगी। और साथ ही इसमें ऐड कर दिए हैं ये मटर, तो मटर भी ऑयल के साथ ही पकाएंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट इसमें आए। और मटर जैसे थोड़े से ये भुन जाते हैं प्याज में, उसके बाद ऐड कर रहे हैं इसमें फिर कुछ सूखे मसाले, हल्दी, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर और जीरा, धनिया, ये सब पाउडर। इसे भी अब अच्छी तरह से पकने देंगे। वैसे तो आपको ये मटर पनीर की रेसिपी बहुत बार हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन आपको सही सी बात बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है इसी वाली जो रेसिपी है इसके साथ। तो घर में सबको इसी तरह से खाने की आदत है, अगर मैं कुछ नया सा ट्राई करती हूँ ना तो उनको भी फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए जैसे चल रहा होता है ना, तो अब जब सबको अच्छा लगता है तो नया मैंने भी क्यों करना। तो अभी आपने देखा कि टमाटर भी इस तरह से डाल दिए हैं ग्राइंड किए हुए, और जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से कुक हो गए उसके बाद ये डाल दिया मैंने इसमें पनीर। हाँ, पहले मैं पनीर को थोड़ा सा रोस्ट कर लेती थी उसके बाद डालती थी, लेकिन आपने जब से बोला है ना कि इस तरह से बनाया करो, प्रोटीन्स इसके गायब हो जाते हैं, तो तब किसी में इस तरह से डालती हूँ। और हाँ, डैडी जी को इस तरह से वैसे पसंद नहीं आता, वो मुझे फिर हर बार ही यही बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लिया करो। चलो, सबकी इच्छा का मान रखना चाहिए, अगली बार जब बनाऊँगी ना तो रोस्ट करके ही बनाऊँगी, आज ही मैंने ये डिसाइड कर लिया। तो बस ये अभी मटर पनीर जब तक पकता है तब तक बाकी की मैंने चपाती बना ली। और अभी आ गई खाने की बारी, तो आजकल हीटर के सामने ही खाना हमारा हो रहा है, पहले चूल्हे के पास खा लेते थे खाना वाना। खा के अभी मैं ये बर्तन भी अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर सुबह कोई ज़रूरत की चीज़ हो और वो साफ़ ना हो तो। और ऐसे भी आदत पड़ी हुई थी मुझे कि किचन जब तक समेट नहीं लेती थी ना तब तक अगला काम नहीं, मतलब अंदर रूम में नहीं आती थी, तो बस फिर मैं ये भी कर रही थी अभी की अभी। कैसे हो आप सब? आजकल ना बोलने का डिपार्टमेंट मैंने पतिदेव को दे रखा है, एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस चली हुई है, ये भी अपना एक चैनल बनाने वाले हैं, और आप में से कौन कौन इन्हें सपोर्ट करेगा वो भी जरूर बताइएगा, तभी ये चैनल खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलेंगे। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अच्छा होना चाहिए। और जो वंदन ने बोला कि हाँ मैं भी एक नया चैनल खोल रहा हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट और आपकी प्यार की बहुत जरूरत है तो इसलिए मैं थोड़ा सीख रहा हूँ इससे जल्दी जल्दी फास्ट बोलना, अब इसको तो आदत पड़ी हुई है ना टाइम टाइम में करने की, तो कोई नहीं, धीरे धीरे अगर आपका प्यार और आपका सहयोग रहेगा तो पक्का एक दिन मैं भी
चैनल खोल दूंगा और एक दिन ये भी यूट्यूबर बनेंगे और एक दिन मैं भी यूट्यूबर बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करने से क्या चीज नहीं होती है, देखा देखी में बहुत कुछ हो जाता है। तो नहीं, अगर आप क्या बोलते हैं उसको, देखिए पूछेंगे मुझसे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, तो फिर काहे का चैनल है। अगर आप मेहनत करते हो ना किसी भी चीज में तो उस चीज में सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन मेहनत करनी चाहिए दिल से, ठीक है। तो मैं जो भी काम करता हूँ वो दिल से करता हूँ, तो इसलिए मैं हर वक्त सक्सेस होता हूँ और इस चीज में भी हूँगा। पर ये है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा और आपके जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनको कि चैनल किस चीज पे बनाने वाले हो, मतलब क्या करोगे? यार चैनल है ऑलराउंडर टाइप, एवरीथिंग सब कुछ डालेंगे उसके अंदर, सब कुछ एक्टिविटीज करेंगे, ब्लॉगिंग भी करेंगे, नई नई जगह पे आपको नई नई विजिट करवाएंगे, नई नई जगह दिखाएंगे, फिर ब्लॉगिंग से लेकर नॉलेज से लेकर फनी वीडियो से लेकर एवरीथिंग सब कुछ मल्टी चैनल आएगा इनका। पर नाम ही वही रखूंगा, मल्टी चैनल संजीव भारद्वाज। हाँ वही, तो ऐसा कुछ नहीं है, काम करके यार क्यों नहीं होगा मोनेटाइज, होगा ना। और अच्छा काम करूंगा तो आप सपोर्ट करोगे और आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ही, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट मुझे भी करना, कमेंट जरूर करना कि खोलू कि नहीं खोलू, राय दे देना। या अगर ये है कि स्टार्ट किया और मतलब कि चला नहीं, सब्सक्राइबर नहीं, फ्लॉप हो गया, तो फिर यार चीज में काम करने की इच्छा नहीं रखते। और देखो ना कितना धुआं चला है और ये पीछे देख सकते हो कितनी फॉग और कितना बहुत धूप लग चुकी है थोड़ी सी। अच्छा टाइम बता देते हैं, टाइम अभी 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, अभी 9:30 बजने में 5 मिनट बाकी है, मतलब 9:25 हुए हैं। तो ये दिखा दो, अभी पहाड़ियाँ दिख रही है, थोड़ी देर में धुंध हट जाएगी और साफ साफ दिख जाएंगी है। और तो बस अगर आपकी गप्पे चली रही तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ये लोग भी नहीं सुनने वाले हैं, पर सपोर्ट जरूर करना, अपनी राय जरूर देना कि बनाओ कि नहीं बनाओ, फिर पक्का मेरी और उसकी। तो गप्पे हमारी बहुत ज्यादा हो गई और ये फिर जो हमारा स्लैब डला है ना किचन के ऊपर, उसमें पानी ये देते हैं, इनकी ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि डैडी जी से पानी क्यों डलवाते हो, तो इसीलिए आज्ञाकारी पतिदेव खुद ये काम करके ही जाते हैं। और इसके बाद ये फिर आज फिर से इनकी काम चला ही है, डैडी जी के भी मज़े लगे हुए हैं, मिस्त्रियों के साथ गपशप इनकी चली रहती है, तो कुछ नया इनके लिए भी यहाँ पर चेंज हो गया है। तो आप भी सुनिए इनकी गपशप, कैसे कैसे गप्पे मारते हैं ये। नहीं ताकि कोई फंक्शन होना ना, तब बोलते हैं दाम भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, है ना, कड़ी चाहिए, मिक्सर चाहिए, हाँ पनीर की 4 रोटियां बनना चाहिए। खर्चे परते नहीं जाओ, नहीं तो पैसा पाना हाथ जायो, पैसा कहाँ है, पैसा मोदी ने फिकर देना, नोटबंदी लगा दी, प्लास लगाई थी नोटबंदी, मार देना तो उसकी दिया मोदी, वो चोर करते था, हाँ नोट का हाथ खत्म हो गया था, बड़ा करती है नोटबंदी, तो बड़ा अच्छा किया था ना, पर ये मेरी बात नहीं माननी ना, जितने जितने देश में खाते थे ना लोगों के, जिनमें कम पैसे थे ना, सब में 5-5 लाख डाल दे, ये सब के कम से कम 5 लाख, बंदे एक रिपी करिए नहीं डाल, हां एक कम देख के मेरे खाते का फिर बात है, कुछ ना चलो बोलते हैं तो पता नहीं आपको इनकी गप्पे समझ में आई या नहीं आई। स्टार्टिंग वाली थोड़ी सी मैं बता देती हूँ कि ये बात कर रहे थे शादियों में हमारे यहाँ चावल खाए जाते हैं, और उसी को रिलेट कर रहे थे ये कि थोड़े से चावल खाने के लिए हम जाते हैं और फिर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि सारे मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा डले रहते हैं सब्जियों में, और फिर रिश्तेदारी में मिलना बरतना तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, मतलब कि जितना हम खाते नहीं है उससे कई गुना खर्चा हो जाता है। फिर मिस्त्री इनको बता रहे थे कि यही तो समाज है, अगर समाज में ये सब नहीं करोगे तो पैसा और डालोगे कहाँ, तो ये चीज़ गपशप इनकी चली हुई थी। फिर पैसे से आगे नोटबंदी पे चले गए, वो तो आपको समझ आ ही गया होगा।
और मेरी यहाँ पे चली हुई है साफ़ सफाई की रूटीन। तो आज क्योंकि धूप अच्छी खासी लगी हुई है इसलिए मैंने सारे जो रज़ाइयाँ थी कंबल सब कुछ बाहर निकाल दिया है ताकि इनमें भी अच्छी अच्छी खुशबू आ जाए और थोड़ा धूप लग जाए इनमें। तो चादर को भी निकाल दिया है और इसको धुलने के लिए डाल दूँगी। धुलने वाले कपड़े मैंने डाल दिए हैं धोने के लिए और फिर झाड़ू पोछा कर लूँगी सबसे पहले तो पूरे घर से। ये देखो हाल निरुल के ट्रक का, इनके खिलौने इधर उधर फैला के रखने, इन्होंने दो दिन से तो इन्होंने ना मेरे सर पे इतनी उधर मचा के रखी हुई थी और ऊपर से ना बारिश की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। तो अभी धूप काफ़ी अच्छी लग गई है और टाइम लगभग 10 बजे का है, 10:30 का, तो इसलिए पत्ते पुते सारे हवा से इधर पड़े हुए हैं। तो बस आज मतलब कि बच्चे चले गए हैं स्कूल तो आराम से अच्छे से साफ़ सफाई कर, जैसे ही फिर वो आएंगे फिर से उधम तो उन्होंने मचाना ही है, पर चलो अब क्या कर सकते हैं, बच्चों का काम ही है, फिर बच्चों ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बस अभी फिर मैं ये क्लियर कर लेती हूँ सारा। तो ये मुझे पड़ गई है ना कल वाली ही आदत की बोलने के लिए कोई था तो उनके साथ गपशप करते हुए, और आज कोई है नहीं तो आप लोग हो ना, तो आप यहाँ मैंने कैमरा ऑन कर लिया और आपके साथ गपशप भी चली रहेगी, साथ में मेरे घर के काम भी चले रहेंगे। तो इतनी बड़ी फैमिली मुझे मिल गई है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो कभी आपसे बातचीत करके पूरा टाइम निकाल लेती हूँ, और अगर जो ऑप्शन हम कल वाली थी वो भी वैसे बेस्ट है, लेकिन देखती हूँ अभी आगे अगर अच्छा चलेगा तो ये फिर काम करूँगी उनके साथ। तो आप भी अपना बताइएगा कि सही है या एवे वेस्ट ऑफ टाइम। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए तो साफ़ सफाई का काम ही सबसे बेस्ट है, अगर घर को क्लीन नहीं करूँगी तो थोड़ी देर बाद फिर धूप में बैठने का मज़ा नहीं ले पाऊँगी, फिर बाद में अगर इधर उधर कुछ भी पड़ा हुआ दिखाई देना तो खुद को ये अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सोचा कि सबसे पहले सारे जगह क्लीन ही कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठ के धूप का आनंद लूँगी, क्योंकि 2-3 दिनों से ये चीज़ मिसिंग रह रही थी। वैसे कल भी लगी थी थोड़ी बहुत धूप तो, लेकिन ऐसी तेज़ वाली नहीं थी, आज एकदम मस्त वाली है, तेज़ एकदम आराम से सेक सकते हो पूरा दिन। साफ सफाई का काम खत्म करके अभी मैं पहुंच गई हूँ, भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की तो सोचा कि शॉर्टकट का फार्मूला तो ये बनाया हुआ है मैंने, वो जो हम यहाँ पे बल बोलते हैं, तो चाय के साथ ले रही हूँ, थोड़ी सी कम से कम एनर्जी तो मिलेगी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लो जैसा फील कर रही हूँ, जो सफाई वगैरह काम की ना, जैसे टांगे कांप रही हो, इसलिए ये बेटर रहता है, थोड़ा ताकत भी मिलती है। और साथ में फिर ये सब्जी दिखाऊँ तो ये आलू गाजर गोभी और साथ में शिमला मिर्ची, ये सब कुछ मैंने ले लिया है क्योंकि इस वेरे बच्चों के लिए बनाए थे मैंने मूली के परांठे, और अभी दिन के लिए लंच के लिए बना रही हूँ ये सब्जी। इसको यहाँ बैठ के पहले छील लेती हूँ आराम से, लगभग 11 बजे का टाइम है तो आराम आराम से बनाती भी रहूँगी। यार किचन की वजह से हो रहा है ये सारा पंगा, बस 1-2 दिन ही और है उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। तो बस इसके बाद अब स्टार्ट हो गया मेरा लंच का प्रोग्राम, तो लंच के लिए मैं ये सब्ज़ी रोटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि चावल आजकल हम शाम के टाइम पे ही खा रहे हैं और उस टाइम पे ना यहाँ बैठ के पूरा दिन भर एक तो कमर में दर्द निकल आता है बैठ बैठ के काम करने से, इसीलिए फिर मैं भी शॉर्टकट देखती हूँ रात के टाइम को, और बच्चों को भी फिर होमवर्क करवाना होता है तो सोचा कि अभी चपाती बना लेती हूँ, और सुबह फिर मूली के परांठे हमने बनाए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी सब्जियां वगैरह आराम से यहाँ बैठ के धूप में काट लूँगी, और टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है तो इसलिए फिर मैं आराम आराम से सारा काम कर रही हूँ। सब्जी कट के रेडी हो चुकी है और अभी चल पड़ी मैं इसको तड़का लगाने, तो कढ़ाई मैंने रख दी है और ऑयल में सूखे मसाले डाल दिए हैं। ये इस तरह से जब मुंह में आते हैं ना दांतों के नीचे चबाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसलिए
हम सबको ही घर में ये धनिया इस तरह सूखा डालना बहुत पसंद है, तो मैं हर सब्जी में ही डालती हूँ। आप पूछते भी हो बहुत बार कि आप इस तरह से क्यों डालते हो, पीस के रख लिया करो। पीस के भी रखा होता है, वो बाद में डाल देती हूँ। तो बस अभी मैंने इसमें ये प्याज आलू डाल दिए हैं और ऑयल में ही इन्हें थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ूंगी। तो जब तक ये थोड़े हल्के कुक हो जाते हैं तब तक फिर मैं अब ये मसाले निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ना इधर उधर ढूँढनी पड़ती हैं। और अभी फिर मैं ये इसमें मसाले डाल रही हूँ, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दिया, गरम मसाला मिक्स वाला, और साथ ही नमक। तो अब मैं एक बार चला लूँगी और थोड़ी सी देरी से भी फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी। थोड़ी सी देर मसालों के साथ सब्जी को पकने के बाद अभी इसमें मैंने ऐड कर दी है टोमेटो प्यूरी, और इसे भी अब थोड़ी सी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसके बाद फिर अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक और लहसुन, तो ये मैं ग्रेट करके ही इधर ही डाल रही हूँ, पहले इसको मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो इसे भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी। थोड़ी सी देर फिर से सब्जियों के साथ मैं इसे कुक होने दूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए, और फिर जो बच गई थी सब्जियाँ वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इन सब्जियों को ज़्यादा पकने में टाइम लगता नहीं है, और आलू को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको मैंने शुरू में ही प्याज के साथ ही थोड़ा सा भून लिया था, और वैसे करने से ना टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसे छोड़ दूँगी पकने के लिए, और अभी आप देख लीजिए फिर से थोड़ा सा मौसम का नज़ारा। और इसी के साथ अब मैं करती हूँ ब्लॉग की भी एंडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।